वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है क्वेश्चन फोर ऑफ एक्सरसाइज 2.1। ए रेक्टेंगल शीट ऑफ पेपर इज 12/12 यानी 12 से ही 1/2 सेंटीमीटर लंबी है और 10 2/3 ठीक है 10 से ही 2/3 सेंटीमीटर चौड़ी है। फाइंड द पेरीमीटर, आपको पेरीमीटर ज्ञात करना है। आप रेक्टेंगल शीट और पेपर लेने, रेक्टेंगल यानी जिसके चार साइड हों, ये रेक्टेंगल है, इसकी लंबाई कितनी है 12 1/2 और ये कितनी है 10 2/3। आपको इसका परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप ज्ञात करने का मतलब है कि चारों जो भुजाएं हैं इसकी, चारों साइड इसका योग कितना है, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, जब ये 12.5 है तो ये भी कितनी होगी। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। 12/1/2 ये भी कितनी होगी 10 2/3। तो इसको हम लिखते हैं, पहले देखिए इसको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे कि एक तरीका तो ये है कि 12/1/2 प्लस 12/1/2 प्लस 10 2/3 प्लस 10 2/3 ठीक है, ये तरीका हो गया। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना हो गया 24 और इसको जोड़ देते हैं ठीक है, तो 12 2 14 15 15/2 ये प्लस का निशान आ गया। इसको मल्टीप्लाई कीजिए 24 2 24 और इसको प्लस कीजिए 25, ये भी कितना हो गया 25/2, ये भी 25/2, ये 25/2 प्लस 10 × 3 30 प्लस 32/3 प्लस 10 × 3 30 प्लस 2 32/3। अब देखिए हमको इसका एलसीएम निकालना है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो एलसीएम 2 और 3 का क्या निकालेंगे 2 × 3 यानी इसका एलसीएम हो गया 6 ठीक है, एलसीएम 6 हो गया, 6 हो गया तो हमने ये लिख दिया 6 ये है तो ये 2 है, तो 6 में 2 को डिवाइड किया तो 3 आ गया, तो यहां क्या आएगा 25 × 3 प्लस यहां भी इतना ही आएगा 25 × 3 प्लस यहां कितना आएगा 6 को 3 से डिवाइड किया तो 2 आया तो 32 × 2 और प्लस यहां भी 32 × 2 ठीक है, 25 को 3 से गुणा किया तो कितना आया 75 प्लस 25 को 3 से गुणा किया तो कितना आया 75 प्लस 32 को 2 से किया तो 64 और 64/6। अब हमने इसको सबको जोड़ दिया तो कितना आया, जोड़ दिया तो 5 5 10 10 और 14 14 और 4 8 ठीक है 8 18 रिमेनिंग 1 7 और 8 8 और 7 15 15 और 6 21 और प्लस 6 27 278/6 ठीक है। अब इसको देखिए, पहले इसको छोटा बना दीजिए तो कितना आएगा, 2 से काट दिया इसको तो 100 ये 1 हुआ और 2 से काट दिया तो 1 3 9 और ये कितना हो गया 3 139/3। अब 139/3 हमारा एक तो आंसर आ गया ठीक है, 139/3 हमारा आंसर आ गया, लेकिन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसलिए आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाना है, तो 139/3 का भाग देंगे तो क्या होगा 4 4 टाइम क्या 4 3 12 4 3 12 1 बचा 19 हो गया, 19 में 3 से डिवाइड किया तो 6 हो गया, बचा कितना 1 46 1/3 तो इसका उत्तर क्या होगा 46 1/3 सेंटीमीटर। ये इसका पेरीमीटर हुआ किसका, ये रेक्टेंगल का जिसकी लंबाई चौड़ाई इसमें दी हुई है। क्लियर, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।